हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी कैट किटन है और इसको थोड़ा सा जुखाम हो गया है। वो क्लाइमेट की वजह से होता है कभी कभी, और इसकी वजह ये नहीं कि सीधा मेंटेन नहीं है, इस वजह से हर कैटरी में कुछ ना कुछ तो होता है। तो डॉक्टर ने इसको नेबुलाइज करने के लिए कहा। अगर आप नेबुलाइज मशीन ले रहे हो तो 2500 से 3000 होता है उसका, और कैट को काफी सफोकेशन होगा। अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमें भी बहुत सफोकेशन होता है। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता दूंगा कि कैसे नेबुलाइज किया जाता है, और मेक श्योर ये जो भी कर रहे हैं आप, इससे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कोई भी कैट को नेबुलाइज हो गया तो आप खुद कुछ मत कीजिए, अंटिल अनलेस आप डॉक्टर को कंसल्ट किए। वो दवाई देखेंगे कि कौन सी दवाई कितना डालना पड़ेगा, क्या क्वांटिटी में, तब जाके आपको कर सके। तो एक सिंपल मेथड आपको बता दूंगा। आइए, ये यहाँ पे मेरा एक छोटा एक इसकी ये है बैस्केट है। बैस्केट को आप क्या करना है, ऐसे कोई प्लास्टिक कवर से रैप कर दीजिए, रैप कर दीजिए, और ये इसका बैस्केट है, इसके अंदर आप रख दीजिए। ये कार्टून ऐसे ही रखा हूं ताकि इन्फेक्शन ज्यादा बाहर ना जाए। तो देखिए, ये कैट को इसके अंदर आप ऐसे छोड़ दीजिए, यहां पे आप बंद कर दीजिए। इसको बंद करने के बाद आपको बताता हूं, ये वाला नेबुलाइजर है जो हम घर पे यूज करते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा तकरीबन 250 से 500 तक, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप जो भी मेडिसिन मैंने डालना था, जो डॉक्टर ने लिख के दिया था प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें मैंने ले ली, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे स्टीम देना है, इससे क्या है कैट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। और ये कवर करने की वजह है, इसका वायरस जो है कहीं नहीं जाएगा, इसका वायरस, और इसका जो स्टीम होता है अंदर ही रहता है, इसका इसको असर होता है, जरूर इसका उसको असर होगा। देखिए कितने आराम से ले रहा है, थोड़ी तकलीफ होएगी, थोड़ा जैसा जैसा गर्मी शुरू हो जाएगी, स्टीम हो जाएगी, उसको हल्के से तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसी के अच्छे के लिए, भलाई के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए नहीं है। देखे वो ले रहा है, पकड़ो ऐसा, पकड़ो, देखो उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि सामने आने से उसकी सांस खुल रही है, थोड़ा थोड़ा वो खुद आ रहा है। अगर आप इसको पकड़ के करते हैं नेबुलाइज फेस पे, अगर आप इसको अटाय मास्क करते हैं तो शायद इसको तकलीफ होती, ये तकलीफ हो गई तो ये खुद चला जाएगा पीछे। और इसको ऐसा थोड़ा शेप में दे दीजिए ताकि स्टीम ऊपर की तरफ जाए। देखिए आपको दिखाता हूं दूर से, ये शेप ऐसा होना चाहिए क्रॉस, और हल्की से फूंक मार सकते हैं आप, हल्की से आप ऐसे देखो फूंक मार सकते हैं, उसको अच्छा लग रहा है तभी वो आगे आ रहा है। तीन मिनट से आप 5 मिनट तक दे सकते हैं उसको, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से मत दीजिए, और हंसना है नेबुलाइज पकड़ो, आपकी एक्सपीरियंस से आप प्लीज मत दीजिए। जो कुछ करना है आपको डॉक्टर को पूछ के ही करना, प्लीज विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली वो सारे एजुकेट होते हैं, उन्होंने बहुत काफी वक्त एजुकेशन में दिया हुआ होता है, एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिकली हर चीज, तो हमसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस होते हैं। प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, कोई भी काम विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर नहीं कीजिए आप। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे दिया जाता है, लेकिन इसमें जो मिलाना है, जो दवाई जो कुछ करना है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। अगर चाहे तो थोड़ा इसको हम ऐसे बांध कर सकते हैं, बंद करने से क्या होता है उसको थोड़ा होता है अच्छा सफोकेशन। थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, देखो
देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने आ गया है, बिल्कुल ये खुद सामने आ गया क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। अगर इसको तकलीफ होती है, अगर इसको दिक्कत होती तो ये पीछे चला जाता, काफी लंबा है केज पीछे, तो जाके बैठ सकता था ये किटन, लेकिन इसको अच्छा लग रहा है तभी ये यहाँ पे आराम से फ्री कर रहा है। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इसकी हेल्थ सही हो जाए। तो ये रहे नेबुलाइजर, तो बेस्ट है, दुआ कीजिए ये दिन कोई और ना देखे, किसी और कैट को ये दिन देखना ना पड़े। मेरी तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब कैट हेल्थी हो। बस आज करना था मुझे, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एनी टाइम, मेरा नंबर दिया है, अगर कुछ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर मेरे इल्म में मेरे एक्सपीरियंस में कुछ है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं डॉक्टर से पूछ के आपको बता सकता हूँ। हैव अ नाइस डे, कीप डिस्टेंस, आपके पेट्स का ख्याल रखिए जैसे आपके घर के बच्चों का रखते, इसी तरीके से।